बूढ़ी माँ के ये आंसू अपने लाडले के लिए है जो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अशोकनगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी के निवासी सुजॉय देवनाथ 2018 में काबुल में काम करने गए थे। इस भयानक स्थिति में सुजॉय देवनाथ काबुल में फंस गए हैं। उनकी माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रही, बेटे के इंतजार में दिन काट रही है माँ और पत्नी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सुजॉय मजदूरी करते थे एक कंपनी के लिए। सुजॉय के परिवार में उनके बुजुर्ग माता पिता, छोटी बहन, पत्नी और सुजॉय की इकलौती बेटी है। परिवार का कहना है कि उनका बेटा सकुशल घर लौट आए। सुजॉय की पत्नी सुष्मिता देवनाथ ने कहा है कि हमें राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वे उनके पति को घर वापस सुरक्षित लौटा देंगी। माननीय मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक उन्नी सोमवार साथे साथे मुख्यमंत्री साथे कथा बोले उन्नी आमाके पाठिये बाड़ीते समस्त तथ्यगुलो नेवार जोन्नो निये आमी उनार हाथे अलरेडी पाठिये दिएछि। उनी माननीय मुख्यमंत्री साथे कथा बोलबेन एबं जत ताड़ाताड़ी सम्भव इनादेरके आबार बांग्लाय कलकाताते फेरत आना जाए तार व्यवस्था उनी करबेन सेई आश्वास उनी दिएछेन। तार जोन्नो उनार बाड़ीते आसा এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। এত করে বোঝানো হচ্ছে, ওইখান থেকে কি একটা কাগজ দিয়েছে, কি একটা এগ্রিমেন্ট। আমার কাছে